नमस्कार दोस्तों, आप सभी का वेलकम है एक बार फिर से। और दोस्तों आज इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करेंगे और चेक करेंगे डिजो वॉच 2। तो दोस्तों डिजो ने अपनी वॉच 2 लॉन्च कर दिया फ्लिपकार्ट पे और हमने भी ये परचेज किया दोस्तों। तो हमारे पास ये 3 पीसेज हैं डिजो वॉच 2 के, देख सकते हो आप। और ये काफ़ी कम प्राइसिंग में लॉन्च हुई है, 2000 की प्राइसिंग में आपको मिल जाएगी। तो चलिए चेक करते हैं इस वॉच को, देखते हैं कैसी वॉच है। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हो एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, चेक करते हैं ये वॉच कैसी है। तो दोस्तों ऐसी कुछ बॉक्स पैकेजिंग आपको देखने को मिलेगी। तो अभी हम अनबॉक्सिंग करते हैं ग्रे कलर की। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डिजो वॉच 2 लिखा हुआ है, ऐसा कुछ डिज़ाइन है। उसकी खास बात यह है कि इसमें आपको बड़ी डिस्प्ले मिल जाती है कम प्राइसिंग में। वॉच का प्राइस भी कम है और 1.69 इंचेस की बड़ी डिस्प्ले मिलती है। तो यहाँ पे लिखा है रियलमी टेक लाइव और यहाँ पे कुछ हाईलाइटेड फीचर्स दे रखे हैं, जैसे इसमें आपको बड़ी डिस्प्ले मिल जाती है 1.69 इंचेस की, 15 स्पोर्ट्स मोड मिलते हैं आपको, ऑक्सीजन सेंसर और यहाँ पे आपको हार्ट रेट सेंसर भी मिल जाता है, 5 ATM वाटर रेजिस्टेंट है, यानी कि आप इसे डायरेक्ट पानी में भी डाल दोगे तो ये ख़राब नहीं होगी, 10 डेज़ का बैटरी बैकअप मिल जाता है आपको और 100 से भी ज़्यादा आपको वॉच फेसेस मिल जाते हैं इसमें। और यहाँ पे बॉक्स में प्राइसिंग देखें तो प्राइसिंग काफ़ी ज़्यादा दे रखी है यहाँ पे 4000, बट ये जो लॉन्च प्राइस था उसमें हमें सिर्फ 2000 की मिली है 1999 में। और बैटरी दे रखी है 260 mAh की, इसमें आपको बैटरी मिल जाती है, 5V 0.5 Ampere का इसमें चार्जर यूज़ होता है। ये ब्लैक कलर, ग्रे कलर और गोल्डन और वाइट कलर में भी आपको मिल जाएगी। तो वैसे ये मेड इन चाइना ही है। तो यहाँ पे लिखा है डिजो रियलमी टेक लाइफ। तो चलिए बॉक्स ओपन करते हैं, देखते हैं कैसी ये वॉच है। तो दोस्तों ऐसे कुछ बॉक्स पैकेजिंग आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे है हमारे पास ये डिजो वॉच 2 और ये ग्रे कलर में है, क्लासिक ग्रे कलर दे रखा है, या पता नहीं ऐसा कुछ इसका नाम था, सिल्वर ग्रे है। ओके, तो यहाँ पे ये सब पैकेजिंग है और इसके साथ आपको ज़्यादा कुछ नहीं मिल रहा है। आपको मिलेंगे कुछ डॉक्यूमेंट्स, यूज़र मैनुअल देख सकते हो आप, और यहाँ पे आपको एक मैग्नेटिक चार्जिंग केबल मिल जाती है दोस्तों, मोबाइल के चार्जर के थ्रू आप इसे चार्ज कर सकते हो। तो यहाँ पे आ जाते हैं हम जल्दी से अपने इस डिजो वॉच 2 की तरफ। तो सबसे बेस्ट चीज़ जो थी वो थी इसकी डिस्प्ले, प्लस इसमें आपको मेटल बॉडी मिलती है, मतलब जो डायल है वो मेटालिक डायल है। तो यहाँ पे ये जो स्टिकर है इसे मैं निकाल देता हूँ। तो यार फर्स्ट इंप्रेशंस की बात करूँ तो यार इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी प्रीमियम लग रही है, कहीं से भी 2000 की सस्ती सी वॉच नहीं लग रही है ये, काफ़ी अच्छी क्वालिटी की, वेट भी इसका ठीक ठाक है। तो चलिए फिज़िकल ओवरव्यू देता हूँ पहले आपको। तो ये जो बकल है दोस्तों ये मेटालिक बकल है और ये जो इसका आप देख सकते हो स्ट्रैप काफ़ी फ्लेक्सिबल है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का ये स्ट्रैप है। यहाँ पे डिजो लिखा हुआ है ये देखिए। और ये जो इसका दोस्तों ये फ्रेम है, ये मेटल का फ्रेम है देख सकते हो आप, अभी ये क्रोम फिनिश में है। और यहाँ पे एक बटन दे रखा है, बैक साइड यहाँ पे आप देखोगे तो चार्जिंग पॉइंट्स दे रखे हैं, यहाँ पे हार्ट रेट सेंसर और SPO2 सेंसर मिल जाता है आपको, ठीक है। और यहाँ पे कुछ लिखा भी हुआ है वैसे। और ये दोस्तों 20 mm का स्ट्रैप है, लार्ज स्ट्रैप आपको लगा हुआ मिला है यहाँ पे, ये भी काफ़ी अच्छा स्ट्रैप, मतलब स्ट्रैप की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, ओवरऑल काफ़ी प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी लग रही है, देख सकते हो आप। यहाँ पे डिस्प्ले देखे तो 2.5D ग्लास मिलता है आपको, यहाँ पे कर्व्ड ग्लास है, ठीक है। तो ऐसा कुछ फिजिकल ओवरव्यू है इसका वॉच का, आप स्ट्रैप चेंज भी कर सकते हो। तो दोस्तों वॉच अभी हमारी ऑन हो गया, तो चलिए इसे फ़ोन से पेयर कर लेते हैं हम। तो दोस्तों फ़ोन से पेयर करने के लिए आपने ये ऐप अपने फ़ोन में इंस्टॉल करनी है, डिजो ऐप है, 16 MB इसका साइज़ है। तो चलिए इसे हम फ़ोन में इंस्टॉल कर लेते हैं। तो दोस्तों देखिए अभी वॉच हमारे फ़ोन से कनेक्ट हो चुकी है, पेयर हो चुकी है। तो चलिए देखते हैं इस वॉच के क्या फीचर है, क्या इसमें आपको ऑप्शन मिलते हैं। तो दोस्तों ऐसा कुछ डिफ़ॉल्ट वॉच फेस आपको देखने को मिलेगा और यहाँ पे अगर आप ऊपर से नीचे स्लाइड करोगे तो यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगे, एंड अगर आप नीचे से ऊपर की तरफ स्लाइड करोगे तो यहाँ पे दोस्तों आपको सारे ऑप्शन मिल जाते हैं इस वॉच में, जो भी ऑप्शन है, जैसे एक्टिविटी डाटा यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे इस नीचे हार्ट रेट आपको मिल जाएगा, इसके बाद यहाँ पे SPO2 का ऑप्शन है, स्लीप मॉनिटरिंग का ऑप्शन है, वर्कआउट मोड्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए काफ़ी सारे वर्कआउट मोड्स आपको इसमें मिल जाते हैं, और इसके बाद देखिए तो वर्कआउट की सारी रिकॉर्ड जो है वो यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। इसके बाद यहाँ पे अलार्म आप सेट कर सकते हो, वेदर की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिल जाती है, स्टॉप वॉच मिल जाती है, टाइमर मिल जाता है, म्यूज़िक कंट्रोल इसमें आपको मिल जाता है, वॉल्यूम भी आप कम ज़्यादा कर सकते हो, ब्रीदिंग की ट्रेनिंग मिल जाती है यहाँ पे आपको, फीमेल मेंस्ट्रुअल साइकिल भी यहाँ पे मिल जाते हैं ऑप्शन में,
एंड इसके बाद देखें तो फाइंड फ़ोन का भी इसमें आपको ऑप्शन मिल जाता है। एंड इसके बाद यहाँ पे लास्ट में सेटिंग ऑप्शन है, तो यहाँ पे आप वॉच फेसेस भी चेंज कर सकते हो। ये डिफ़ॉल्ट वॉच फेसेस इसमें आपको मिल जाते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे इसके बाद हम देख लेते हैं सेटिंग में ऑप्शन। यहाँ पे स्क्रीन टाइम भी आप चेंज कर सकते हो, जैसे 5 सेकंड रखना है या 10 सेकंड रखना है या मैक्सिमम 25 सेकंड्स तक आप स्क्रीन टाइम रख सकते हो। तो यहाँ पे मेन्यू स्टाइल भी आप चेंज कर सकते हो, आप चाहो तो उसे लिस्ट में भी रख सकते हो या ग्रिड में भी रख सकते हो। तो अभी हमने इसे ग्रिड में कर दिया है। और यहाँ पे आप वाइब्रेशन की जो इंटेंसिटी है उसे भी आप कम ज़्यादा कर सकते हो, ब्राइटनेस को आपने सॉफ्ट रखना है या मीडियम रखना है या हाई रखना है, तो वो भी आप चेंज कर सकते हो। रिस टू वेकअप यहाँ पे आप अनेबल या डिसेबल कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो उसकी टाइम सेकंड्स वगैरह आप सेट कर सकते हो। एंड यहाँ पे आप देखोगे तो लैंग्वेज भी आप चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे हिंदी लैंग्वेज का सपोर्ट अभी तक मेरे को लग रहा है दिया नहीं है, हिंदी इसमें नहीं दिख रही है कहीं पर भी, इंग्लिश दे रखी है। एंड यहाँ पे बैटरी का ऑप्शन मिल जाता है आपको, यहाँ पे आप पावर सेविंग मोड भी अनेबल कर सकते हो। एंड यहाँ पे क्यूआर कोड मिल जाता है अगर आपने ऐप इंस्टॉल करनी है। एंड इसके बाद यहाँ पे शट डाउन दे रखा है स्विच ऑफ करने के लिए, यहाँ से आप रीसेट भी कर सकते हो वॉच को। और यहाँ पे अबाउट में यहाँ पे सॉफ्टवेयर की इन्फॉर्मेशन वगैरह दे रखी है। एंड यहाँ पे देखिए तो दोस्तों अभी हमने मेन्यू स्टाइल चेंज किया था, पहले लिस्ट टाइप था बट ऐसे आप इसे ग्रिड टाइप भी कर सकते हो, देख सकते हो आप। और डिस्प्ले में दोस्तों इसमें रेजोल्यूशन थोड़ा कम दे रखा है, वॉच 2 में जो रेजोल्यूशन है स्क्रीन का वो थोड़ा कम है एज़ कम्पेयर टू वॉच जो थी डिजो वॉच 1 में। बट क्या है कि फिर भी डिस्प्ले काफ़ी बड़ी है, देख सकते हो आप काफ़ी बड़ी है और बेजल्स भी काफ़ी कम है, 1.69 इंचेस की डिस्प्ले है बट बेजल्स इतने भी कम नहीं है। अगर आप देखोगे तो क्लैरिटी को लेकर कोई कमी नहीं लग रही मेरे को, काफ़ी अच्छी खासी क्लैरिटी इसमें मिल रही है आपको, डिस्प्ले में क्लैरिटी काफ़ी अच्छी है। तो मेरे को डिस्प्ले को लेकर तो कमी नहीं लग रही कोई भी, 2000 की प्राइसिंग में वॉच आपको मिलती है तो ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रख नहीं सकते, बट फिर भी डिस्प्ले काफ़ी अच्छा है इस वॉच का। तो यहाँ पे देखें तो इस साइड दोस्तों आपको ये ऑप्शंस मिल जाते हैं, बैटरी दे रखी है, डेट टाइम दे रखा है, यहाँ पे आप ब्राइटनेस भी एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पे देखिए डू नॉट डिस्टर्ब, यहाँ पे आप अनेबल या डिसेबल कर सकते हो। यहाँ पे बैटरी का आप सेविंग मोड अनेबल या डिसेबल कर सकते हो, पावर सेविंग मोड। यहाँ पे आप रिस टू राइज जो है वो अनेबल या डिसेबल कर सकते हो। आप टॉर्च भी यहाँ से अनेबल कर सकते हो, अपनी वॉच को एज अ टॉर्च यूज़ कर सकते हो आप इमरजेंसी केस में। यहाँ पे आप दोस्तों स्क्रीन देख सकते हो पूरी कंप्लीट, जो है बेजल्स देख सकते हो आप, इतने बेजल हैं साइडों में और इतनी ये पूरी डिस्प्ले है। तो अभी फुल स्क्रीन में आप डिस्प्ले देख सकते हो। एंड यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन दे रखा है दोबारा से। एंड इसके बाद यहाँ पे दोस्तों अगर आप स्लाइड करोगे तो यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, स्टेप्स की, कैलोरीज की, कितने किलोमीटर्स वगैरह आप रन करे हो। यहाँ पे आपको स्लीप मॉनिटरिंग का डाटा मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको हार्ट रेट की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, हार्ट रेट का ऑप्शन दे रखा है। इसके बाद यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपको वेदर की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। इसके बाद यहाँ पे आपको म्यूज़िक कंट्रोल मिल जाता है। तो ये सारे ऑप्शन इस वॉच में दोस्तों आपको मिलते हैं। तो दोस्तों ये है डिजो ऐप। यहाँ पे दोस्तों फर्स्ट में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, स्टेप्स की, हार्ट रेट कितना है आपका, एक्सरसाइज के रिकॉर्ड, स्लीप मॉनिटरिंग, SpO2 लेवल, मेंस्ट्रुअल साइकिल के रिकॉर्ड्स वगैरह। एंड इसके बाद यहाँ पे देखें तो एक्सरसाइज वगैरह जो भी आप कर रहे हो उसका रिकॉर्ड यहाँ पे आपको मिलेंगे। इसके बाद यहाँ पे डिवाइस की सेटिंग वगैरह के ऑप्शन दे रखे हैं, तो वॉच यहाँ पे कनेक्टेड दिखा रही है, देख सकते हो आप। एंड यहाँ पे आप देखो तो अलार्म वगैरह आप यहाँ से भी सेट कर सकते हो। एंड यहाँ पे आप फाइंड डिवाइस कर सकते हो, अगर आपकी वॉच नहीं मिल रही है तो यहाँ से अगर आप ऐसे करोगे तो देखिए वॉच जो है वो फाइंड होने लग गई है, तो ऐसे आप वॉच फाइंड कर सकते हो। और वॉच में भी फाइंड फ़ोन का ऑप्शन है, तो वॉच से आप फ़ोन को भी फाइंड कर सकते हो। यहाँ पे दोस्तों आप काफ़ी सारे वॉच फेसेस चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे ये दे रखी है वॉच फेसेस की गैलरी, तो ये वो है जो आपने मतलब अभी तक अब डाउनलोड नहीं किया है। एंड यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, काफ़ी सारे वॉच फेसेस इसमें आपको मिल जाते हैं, 100+ वॉच फेसेस इसमें आपको मिलते हैं। तो चलिए एक वॉच फेस सेट करके देखते हैं। तो दोस्तों अभी हमने एक वॉच फेस ट्रांसफ़र किया था, तो देखिए वॉच फेस चेंज हो चुका है। और ये देखिए फुल स्क्रीन आप देख सकते हो कहाँ कहाँ तक बेजल्स हैं, डिस्प्ले का साइज़ कितना है। तो डिस्प्ले की क्वालिटी मुझे काफ़ी अच्छी लगी, मतलब कि रेजोल्यूशन थोड़ा सा कम ऐसा बताया था बट रेजोल्यूशन मुझे काफ़ी ठीक ठाक लग रहा है। तो चलिए बाकी ऑप्शंस भी आपको यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। तो इसके बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अपग्रेड का ऑप्शन है, अगर कोई अपडेट आई है तो आप वॉच को अपडेट भी यहाँ से कर सकते हो। कॉल रिमाइंडर का यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है आपको, कैमरा शटर का मिल जाता है, रिमोट कैमरा भी आप इसमें यूज़ कर सकते हो। एंड यहाँ पे नोटिफिकेशन में आपको मिल जाते हैं, तो यहाँ से आप नोटिफिकेशन अनेबल कर सकते हो। तो जिस भी ऐप का आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन चाहिए वो फिर आपका क्या कहते हैं वो आपको वॉच में मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिए काफ़ी सारे ऐप्स के जो हैं ऑप्शंस को अनेबल या डिसेबल कर सकते हो। एंड यहाँ पे सेडेंट्री अलार्म के आप नोटिफिकेशन अनेबल कर सकते हो, जैसे खड़े होने के लिए, घूमने फिरने के लिए, जैसे वॉच बोलती है।
इसके बाद यहाँ पे ड्रिंकिंग रिमाइंडर्स आप दोस्तों अनेबल कर सकते हो, तो यहाँ पे आपको ड्रिंकिंग के रिमाइंडर्स मिल जाएंगे। DND यानी कि डू नॉट डिस्टर्ब आप यहाँ पे अनेबल या डिसेबल कर सकते हो, इसका ऑप्शन मिल जाता है आपको। हार्ट रेट आप यहाँ पे अनेबल या डिसेबल कर सकते हो, ऑटोमेटिक हार्ट रेट अगर करना है तो। फैक्ट्री रीसेट यहाँ से आप कर सकते हो, एंड यहाँ पे सॉफ्टवेयर की इंफॉर्मेशन वगैरह दे रखी है, एंड यहाँ से आप अपनी प्रोफाइल वगैरह सेट कर सकते हो। तो ये दोस्तों सारे ऑप्शन आपको इस डिजो वॉच ऐप में मिल जाते हैं। तो चलिए दोस्तों वॉच पहन के आपको दिखाता हूँ कि कैसी वॉच लगेगी। तो यहाँ पे अभी मेरे पास है रियलमी वॉच 2 प्रो, ये देखिए रिस्ट टू राइज काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है इसका, ये देखिए। एंड चलिए अभी हार्ट रेट भी चेक करके देख लेते हैं। तो दोस्तों ये अभी 84-83 के समथिंग दिखा रहा है, तो काफ़ी एक्यूरेट इसकी हार्ट रेट रीडिंग मुझे लग रही है, क्योंकि मेरा जो हार्ट रेट है वो मोस्टली मतलब 90 के अप्रॉक्सीमेट रहता है, 80-90 के इन बिटवीन रहता है। तो दोस्तों अभी हम चेक कर रहे हैं SpO2 लेवल, तो देख सकते हो आप ये 98% के अप्रॉक्सीमेट बता रहा है, और ये मुझे काफ़ी रीडिंग एक्यूरेट लग रही है। तो रीडिंग जो है वो काफ़ी एक्यूरेट लग रही है मुझे इस वॉच की। तो दोस्तों आप यहाँ पे इस ऑप्शन में जाकर इस वॉच में अपना पर्सनलाइज वॉच फेस भी आप चेंज कर सकते हो। अगर आपने अपनी फ़ोटो लगानी है एज अ वॉच फेस तो वो आप यहाँ पे कर सकते हो। यहाँ से आपको जो भी गैलरी में आपकी इमेजेस है वो आप यहाँ पे एज अ वॉच फेस यूज़ कर सकते हो। तो वॉच फेसेस को लेके कोई कमी नहीं है इस वॉच में, और डिस्प्ले मुझे काफ़ी अच्छी लगी, आउटडोर विजिबिलिटी भी काफ़ी अच्छी है, व्यूइंग एंगल्स भी अच्छे हैं, और बड़ी डिस्प्ले भी है। रेजोल्यूशन थोड़ा सा कम है बट ऐसा लग नहीं रहा है, तो डिस्प्ले भी ओवरऑल काफ़ी अच्छी है, एंड बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। तो डेफिनेटली आप इस वॉच को परचेस कर सकते हो। डिजो वॉच 2 मुझे काफ़ी पसंद आई, बिल्ड क्वालिटी को लेके और ओवरऑल इसके सॉफ्टवेयर और डिस्प्ले को लेके कोई कमी नहीं है इस वॉच में। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नवी चीज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू सून। और अगर आपको दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हो, एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो।